हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 2016 के एग्ज़ाम में आए हुए जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आने वाली एनटीपीसी रेलवे जूनियर इंजीनियर और रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके बाकी के वीडियो भी आएंगे, जिसके लिए आपको ये वीडियो सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और ये डेली आपको शाम को 5 बजे मिलेंगे, तो आप 5 बजे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि टमाटर क्या है, टमाटर क्या है। और ये यहाँ पे क्वेश्चन है, लगभग ये आंसर जो होगा वो 90% लोगों का आंसर गलत होता है इसमें। तो टमाटर है एक प्रकार का फल होता है। जी हाँ, बिल्कुल फल इसका सही आंसर होता है। हालांकि टमाटर का उपयोग जो है वो हम लोग सब्जी के तौर पर करते हैं, लेकिन इसका सही आंसर फल होता है। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि टमाटर जो है वो सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। सोलेनेसी जो फैमिली होती है, वैज्ञानिक के तौर जो हैं उनके द्वारा इसको, इन सारी चीज़ों को एक ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत टमाटर आता है, और जितने भी सोलेनेसी फैमिली में हैं वो सारे फल के अंतर्गत आते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, वैज्ञानिक तौर पर फल की परिभाषा क्या है, और क्यों ये टमाटर फल के अंतर्गत आता है, वो भी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि फल की जो परिभाषा होती है वो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, जो फल की परिभाषा है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो पुष्प के अंडाशय से पैदा होते हैं, वो जितने भी वनस्पति के पदार्थ हैं या जो भी हैं, वो फल के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए टमाटर भी जो है वो पुष्प के अंडाशय से पैदा होता है, इसलिए इसका जो आंसर होता है वो फल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है, हो सकता है आगे कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। और अब इसके बाद आपका इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। तो चंद्रशेखर सीमा जो है वो क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोई स्थायी जो श्वेत तारे हैं उनकी अधिकतम संभावित जो द्रव्यमान है उसको प्रतिपादित करने के लिए चंद्रशेखर, जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी हैं, उनके द्वारा 1930 में इस तरीके का गणना की गई थी, इसको प्रतिपादित किया गया था, इसीलिए वो उनके नाम पर ही चंद्रशेखर सीमा कहा जाने लगा। ये जो है श्वेत जो तारे होते हैं, जब वो ब्लैक होल में तब्दील होने लगते हैं तो उनकी जो द्रव्यमान है उसकी संभावित जो सीमा है उसको प्राप्त करने के लिए चंद्रशेखर सीमा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो सितारों पर से इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सितारे हैं वो चंद्रशेखर सीमा पर लागू होते हैं, यानी कि जो चंद्रशेखर सीमा है वो सितारों पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफीन क्या है। यहाँ पे ग्राफीन जो है वो एक कार्बन का अपर रूप होता है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आपको आंसर ध्यान रखना है, ग्राफीन कार्बन का एक अपर रूप होता है। अगले क्वेश्चन पर है कि बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा आमतौर पर इसका जो यूज़ होता है वो खाना पकाने में जो सोडा यूज़ करते हैं उसमें यूज़ होता है, उसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। और जो बेकिंग सोडा वो अक्सर बेकरी वगैरह में यूज़ होता रहता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, वो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम वाई कार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक फॉर्मूला होता है। और जो सोडियम कार्बोनेट होता है, डी ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, सोडियम जो कार्बोनेट है उसको हम धावन सोडा कहते हैं, जो कि जो सोडा या जो भी साबुन या डिटर्जेंट में जो सोडा यूज़ किया जाता है वो सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। और सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी, हो सकता है आगे के एग्ज़ाम में पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। सकारात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन में होता है। जो नाभिक के कोई परमाणु है उसके नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं वहाँ पे उसको पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना तो वो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में उस परमाणु के नाभिक के
पास अपनी अपनी कक्षा में रहते उपस्थित रहते हैं। और यहाँ पे क्रिप्टन जो है, वो क्रिप्टन एक नोबेल गैस है। क्रिप्टन के बारे में आपको यहाँ पे बता दें, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है क्रिप्टन का, वो 36 होता है। और इसका जो यूज़ है, क्रिप्टन का जो यूज़ है, वो यूज़ होता है बिजली के बल्ब वगैरह या फोटोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है। के आर जो होता है, ये इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी का वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जो जी का वायरस है, वो मच्छर के कारण फैलता है। मच्छर के काटने से जी का वायरस जो है वो फैलता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित करता है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको डाउट करेगा, पर यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो प्रकाश होता है उसका एक गुण होता है, वो होता है वर्ण विक्षेपण, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्सन। जिसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी प्रिज्म होता है, उससे अगर हम सूरज की किरण को गुजारते हैं, कोई प्रिज्म है, तो वो क्या होगी कि अपने 7 मूलभूत रंगों में विभक्त हो जाती है। एक इस तरीके से यहाँ पे जो भी 7 मूलभूत रंग होते हैं वो विभक्त हो जाती है। तो इसका बिल्कुल जो अगर सटीक आंसर आता है वो वर्ण विक्षेपण होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका जो देखोगे तो यहाँ पे डिस्पर्सन यानी कि वर्ण विच्छेद, सॉरी वर्ण विक्षेपण यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। तो जो वर्ण विक्षेपण की प्रोसेस होती है वो किस कारण होती है? वो होती है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन में क्या होता है कि जब एक प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है, या विरल माध्यम से, सॉरी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही होती है, तो वो अपने मार्ग से जो है वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो इसी कारण से यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि प्रिज्म जो है वो एक यहाँ पे सघन माध्यम होता है, और इस तरी यहाँ पे वायु होती है जो कि एक विरल माध्यम होता है, और यहाँ से जब एक किरण जाती है तो वो अपने मार्ग से मुड़ रही होती है, और इस मुड़ने के कारण वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिनकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, इसलिए वो पर्दे पर अलग अलग रंग विभक्त होकर प्राप्त होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्रकंद यानी कि राइजोम का एक एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? तो राइजोम जो होते हैं वो इसके अंतर्गत जो है अदरक, कमल और हल्दी, ये 3 यहाँ पे आते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अदरक, कमल और हल्दी, ये राइजोम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DPT वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? DPT वैक्सीन, ये वैक्सीन है, यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है कि DPT जो है वो एक टाइप की वैक्सीन है। तो वैसे तो DPT बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर यहाँ पे वैक्सीन है तो वैक्सीन के बारे में आपको बताना है। तो DPT का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले वो आपको आना चाहिए। तो DPT का फुल फॉर्म होता है, डी से होता है डिप्थेरिया, पी से होता है पर्टोसिस, और टी से होता है टिटनेस। तो यहाँ पे पी का मतलब पूछा गया है, तो पी का मतलब होता है पर्टोसिस। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन जो होगा वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण बढ़ता है, ये आप सबको पता ही होगा। आगे क्वेश्चन है कि शब्द रडार किससे व्युत्पन्न होता है, यानी कि यहाँ पे रडार का जो है वो फुल फॉर्म पूछा गया है। तो रडार एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके माध्यम से किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा, चाल, उसकी स्थिति, इस तरीके से चीज़ों का यूज, जो सूक्ष्म तरंगें होती हैं उनका उपयोग करके उसकी स्थिति को पता किया जाता है। तो रडार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यहाँ पे डी ऑप्शन में जो आपको आंसर मिल रहा है वो इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? सूर्य की जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होने का एक मुख्य कारण है, वो है न्यूक्लियर फिशन यानी कि परमाणु संलयन, या फिर नाभिकीय संलयन भी कहते हैं इसको। यहाँ पे सूर्य के जो नाभिकीय संलयन की प्रोसेस होती है, वहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो मिलकर के एक हीलियम परमाणु को बना लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो 4 परमाणु यहाँ पे मिल रहे हैं, इनका जो द्रव्यमान होता है वो एक परमाणु जो यहाँ पे है हीलियम बन जाता है बाद में, इसके द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है। अब अगर द्रव्यमान के बराबर नहीं है तो बाकी का द्रव्यमान जो है वो कहाँ गया? वो ऊर्जा में विभक्त हो जाता है। आपको पता ही होगा कि आइंस्टीन का एक ऊर्जा समीकरण है जिसको EmC² कहा जाता है, यानी कि इस सूत्र के माध्यम से किसी भी द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो यहाँ पे द्रव्यमान था और यहाँ पे नहीं मिल रहा है, वो इस वजह से यहाँ पे ऊर्जा में जो उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन जो है, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है,
परमाणु संलयन, उसके कारण से यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबेल धातु है? उत्कृष्ट धातु की यहाँ पे बात की गई है, तो उत्कृष्ट धातु का तात्पर्य होगा कि किस धातु का क्षरण जो है नहीं होता है, तो लोहे का क्षरण होता है, यहाँ पे कांस्य यानी कि जो ब्रॉन्ज है उसका भी क्षरण होता है और एल्यूमिनियम का भी क्षरण होता है, लेकिन शुद्ध रूप से जो चांदी होती है उसका क्षरण नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, बी ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका जो है वो जीवन की मूलभूत इकाई होती है, जिसको हम रचनात्मक या कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं, यहाँ पे ये इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? जो जल चक्र है वो किसके द्वारा संचालित होता है, यानी कि पृथ्वी के समुद्र या सतह में जो भी जल है वो बाष्पीकृत होकर के पहले तो जल वाष्प बनता है, फिर बादल में जा बादल बनता है, उसके बाद फिर बारिश हो जाती है तो वो फिर से पृथ्वी में आ जाता है, इस प्रकार से एक चक्र टाइप का बन जाता है। ये प्रोसेस किसके द्वारा होती है? वो प्रोसेस होती है सूर्य के द्वारा, क्योंकि सूर्य के द्वारा ही हीट मिलती है और हीट की वजह से ये जल जो है पृथ्वी या समुद्र में या पृथ्वी के तल पर है वो बाष्पीकृत होकर जल वाष्प बन रहा है, और जल वाष्प से फिर बादल बन के फिर से यहाँ पे नीचे आ रहा है आर्द्रता के कारण। तो ये इसका आंसर जो होगा वो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है? तो रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण होता है वो न्यूट्रलाइजेशन के कारण होता है, यानी कि निष्क्रियकरण के कारण, तो ये एक रासायनिक उदाहरण होता है। बाकी सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टलाइजेशन, ये तीनों जो हैं वो भौतिक परिवर्तन होते हैं, तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन पूछा, जो कि न्यूट्रलाइजेशन एक रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है, यानी कि कौन से हिस्से के कारण पानी और खनिज जो है वो पौधे के अन्य भागों तक पहुंचते हैं, तो वो होता है जाइलम। जाइलम के माध्यम ही से ही पानी और खनिज जो है वो पौधे के हिस्से तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसके द्वारा तय की गई थी या तैयार की गई थी? तो वर्तमान में जो भी हम रासायनिक प्रतीक यूज़ करते हैं, चाहे वो फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन माने या हीलियम ले लें या सोडियम ले लें या कैल्शियम, हाँ जो भी क्लोरीन वगैरह ले लें, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक प्रतीक होते हैं और इसमें कुछ ना कुछ नियम होते हैं कि कौन सा शब्द आपको किस तरीके से उसको डिनोट करता है, या भी जो भी संकेत होता है। ये विधि किसके द्वारा तैयार की गई थी? ये बर्जीलियस के द्वारा तैयार की गई थी, जिसकी वजह से केमिकल या जो रासायनिक तत्व हैं उनको आवर्त सारणी में संकेतों के द्वारा दर्शाया दर्शाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? ये ऑर्थर टॉन्सले के द्वारा इकोसिस्टम की संकल्पना की गई थी, यहाँ पे ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज जॉनस सॉल्क के द्वारा की गई थी, यहाँ पे बी इसका आंसर होगा। मैरी क्यूरी यानी कि जिनको मैडम क्यूरी भी कहते हैं, इनके द्वारा एक प्रसिद्ध खोज की गई थी, रेडियम की खोज की गई थी। लुइस पॉस्चर जो हैं उनके द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी, यानी रेबीज वैक्सीन की खोज की गई थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इनके द्वारा जो खोज की गई थी वो पेंसिलिन की खोज की गई थी, तो यहाँ पे आपको इन सारे के जो भी खोज हैं वो याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाता है? कोई भी वस्तु अगर पानी के अंदर है तो उसका यूज किस यंत्र के माध्यम से पता किया जा सकता है? वो हम सोनार के द्वारा कर सकते हैं, जो कि पनडुब्बी और जलयान में इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी जो बीमारी है, रात में कलर जो सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो रतौंधी होता है, जो कि विटामिन ए के कारण होता है। बी विटामिन के बी के कारण बेरी बेरी होता है, और एनीमिया जो है वो विटामिन B12 के कारण होता है, और ट्यूबोक्लोसिस जो है वो यहाँ पे कोई विटामिन नहीं बल्कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है?
यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या की गई है, क्वेश्चन को थोड़ा समझिए कि ब्रह्मांड की बात की गई है, ना कि पृथ्वी के वायुमंडल की, पूरे ब्रह्मांड की बात की गई है। दूसरी चीज यहाँ पे कि पहला नहीं बल्कि दूसरा पूछा गया। तो इस ब्रह्मांड का सबसे पहला जो सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व होता है वो तो हाइड्रोजन होता है, और दूसरा तत्व जो होता है वो हीलियम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। थोड़ा सोच समझ के आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मांड के बारे में पूछा गया है, और ब्रह्मांड के वो भी दूसरे तत्व के बारे में। तो वो दो जो तत्व है वो हीलियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई सिस्टम में यूनिट है वो क्या होता है, तो वो कूलाम होता है, कूलाम। और विद्युत विभव का जो आंसर वोल्ट, जो एसआई मात्रक होता है वो यहाँ पे वोल्ट होता है, तो ये विभव हो जाएगा। और केल्विन जो होता है वो ताप का होता है, और किलोग्राम जो होता है वो द्रव्यमान का होता है। तो यहाँ पे ये आपको कुछ लगभग 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस एनटीपीसी के एग्जाम में आए थे वो यहाँ पे आपको डिस्कस किए गए। इसी तरीके के आगे के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाली रेलवे एग्जाम्स के लिए काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से आगे के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप वीडियोज़ को देख सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा।